मोहम्मद कैसर। किस क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ। आज आपने जो ये गोल्ड मेडल जीता है तो कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड हो रहा है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहाँ से सीखा है आपने तो और कहाँ का खेला है आपने अभी तक? मैंने ये मेरा पहला सबसे पहला कोच मेरे दिलबाग सर थे, उन्होंने मुझे सिखाया बेसिक्स। फिर मुझे विंटर्स में एक भैया भी थे, उसका नाम मोजम भैया था, उसने भी मुझे सिखाया। और एक दो इंटरनेशनल कोचेज से भी मैंने सीखा है, जैसे जावेद सर और इची सर। तो कैसे अब आपको गोल्ड मेडल आज जीता है आपने? तो बहुत खुशी हो रही है। क्या मैसेज रहेगी बाकी बच्चों के लिए जो खेलता है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है? मेरी यही रहेगी कि अगर आपको प्लेटफॉर्म भी नहीं है बट अगर आप चाहते हैं खेलना तो आप घर में ही प्रैक्टिस करें। मतलब अगर आप चाहते हैं खेलना, इतना शौक है तो घर में ही प्रैक्टिस करें। और जो लोग खेलते नहीं है स्पोर्ट्स, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलें क्योंकि इसमें बड़े फ़ायदे मिलेंगे, फिट रहेंगे आप। आप साथ साथ में पढ़ाई भी करती हो और गेम्स भी खेलते हो, तो कैसे मैनेज करती हो इसको, पढ़ाई को और गेम्स को? अगर मेरी छुट्टी होती है तो पहले मैं सुबह पढ़ता रहता हूँ दिन भर, फिर शाम को दो तीन घंटे मैं खेलने जाता हूँ प्रैक्टिस करने। तो कैसे मैनेज करते हो आप ये टाइम? कर लेता हूँ अब, अगर कभी कभी फिर करना पड़ता है शाम भर रात भर।